Hello viewers, welcome back to my channel. Hope that you all are safe and doing great in your life. So basically आज का वीडियो रहने वाली लहंगा रिव्यू पर. व्यूअर मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था मुझे ये लहंगा का रिव्यू करने के लिए. सो हियर इज द वीडियो, आई होप आपको जरूर पसंद आए. एंड इस लहंगा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हैं. आई हैड मेड अ स्टोर ऑन माई होल स्टोर, तो आप वहां से मेरी पूरी कलेक्शन देख सकते हैं. एंड ईजिली कुछ भी जो भी आपको बाय करना हो तो आप बाय कर सकते हैं. सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं जैसे आपको मैंने बता ही दिया है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेक श्योर कि आप लाइक और शेयर जरूर कर दें. एंड अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आप इसी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट रह सकती और मेरे अच्छे अच्छे रिव्यूज देख सकती हैं. सो या जस्ट विदाउट एनी मोर डिले लेट्स बिगिन विद दिस रिव्यू. लहंगा, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस क्योंकि ये लहंगा दिखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी, क्योंकि इमेज जो बताई गई थी यू नो अमेज़ॉन पर इसकी, इट वॉज सो प्रिटी. लेट्स जस्ट सी कि कैसा हमें रिसीव हुआ है. सो लेट मी जस्ट ओपन इट. So here is the lehenga. It's so so gorgeous. Let me just show it to you. It's black in color. Black आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. So just see this how it looks like. मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था जैसे इमेज में बताया गया वैसे मुझे रिसीव होगा. एंड आई वॉज क्वाइट वर्ड क्योंकि जो इसका प्राइस है वो थोड़ा हाई है. इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2200 का. रहा है कि ये वेलवेट का फैब्रिक है. ये ऑल ओवर लहंगा आपको वेलवेट के फैब्रिक में मिल जाएगा. वेलवेट का फैब्रिक मोटा वाला, अच्छा वाला, सॉफ्ट वाला वेलवेट का फैब्रिक आपको मिल रहा है. मुझे वेलवेट के लहंगे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं. एंड वेलवेट की लहंगों की बहुत ही अलग सी ग्रेस होती है वेन यू वेयर इट. सो जस्ट लुक एट दिस. एंड ऑल ओवर आप ये देख रहे हैं ये पर्ल अटैच करे गए हैं, नॉट इवन स्टेक बट अटैच करे गए हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग. जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो ऑन ब्लैक लहंगा वो देखी होगी तो उनको तो बिल्कुल यू नो अंदाज़ा हो गया होगा. एंड जो न्यू होंगे तो देख लीजिएगा वो, क्योंकि वो बहुत पुरानी वीडियो है. तो इट्स सिमिलर टू दैट. आई एम टोटली इन लव विद इट. जस्ट सी, तो आपको इस तरीके से ये पर्ल मिल जाएंगे. ऑल ओवर ये पर्ल वर्क मिल जाएगा, ठीक है, विच इज़ वेरी नाइस थिंग. एंड वेस्ट आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है. जस्ट यू कैन सी ये जरी वर्क और गोल्डन थ्रेड का वर्क हो रखा है. गोल्डन सिल्क थ्रेड एंड जरी वर्क हो रखा है. जस्ट सी ये वेस्ट बैंड कुछ इस तरीके से मिल जाएगा. जस्ट हैव अ लुक. Isn't it so pretty? बहुत pretty है. And bottom से कुछ आपको इस तरीके से heavy वाला work मिल जाएगा. Again you are getting zari work and silk thread work. Just see, look at this. And sequins also. ये sequins पूरी लगी हुई है तो आपको ये मोटा वाला बहुत ही प्यारा सा work मिल जाएगा यहाँ पर जरी का और silk thread का. Just look at this. बहुत ही rich kind of royal kind of ये लहंगा मुझे बिल्कुल भी expect नहीं था. It's really beautiful. अभी से मैं बोल रही हूँ यू कैन गो अहेड फॉर इट. सो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से है. एंड यहाँ पर आपको इसमें ऑलरेडी यू नो कैनवस इंसर्ट की हुई मिली है, मतलब जिससे आपका लहंगा थोड़ा स्टिफ सा रहेगा एंड घेरा काफ़ी अच्छा बन जाएगा. वो तो ट्राई ऑन में आ गया, आपको क्लियर हो जाएगा. जस्ट सी, तो बहुत ही अच्छा है इसका घेरा. एंड इनर की बात करें, लाइनिंग की बात करिए, और गेटिंग सतून की लाइनिंग यहाँ पर, ये सतून की ब्लैक कलर की लाइनिंग मिल रही है कुछ इस तरीके से. आई नो इट्स अ सी थ्रू फैब्रिक बट ये वेलवेट का जो टॉप लेयर फैब्रिक जैसे वेलवेट का फैब्रिक तो वो आपको अच्छी कवरेज दे देगा. तो आपको बिल्कुल भी यू नो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं रहेगा क्योंकि आप ऊपर वाला यू नो फैब्रिक देख ही सकते हो. एंड ये लहंगा कुछ इस तरीके से है. ओ वाओ, इट्स सो सो डैम प्रिटी. तो अप्रॉक्सीमेटली ये रहेगी परफेक्ट 38 to 40 वेस्ट वालों के लिए. उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो यू नो घेरा काफ़ी अच्छा नहीं बन आएगा. सो मैक्सिमम उतना ही वेस्ट एक्सीड कर सकते हैं. लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो हाइटेड गर्ल्स को भी कोई इशू नहीं रहेगा. मेरी हाइट है 5 feet and 6 inches तो आप उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा लीजिएगा. तो या दिस हाउ द लेंथ. मैं तारीफ कर रही थी, आई एम सुपर डिसअपॉइंटेड विद इट. राइट, मेरे लिए फैब्रिक मिला है विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न जो हमें यू नो इमेज में बताया गया था. एंड मुझे दुपट्टा मिला ही नहीं, दुपट्टा तो मिला ही नहीं. What is this? This is totally means क्या लहंगे थोड़ी डालने से, we need dupatta. So dupatta is not here. Then why should I recommend you? No. So चलो जो fabric मिला है मुझे basically ये चोली के लिए fabric मिला है. इसके साथ I was wondering कि you know I missed somewhere कि मतलब मैंने dupatta नहीं रख दिया हो. You know अच्छा time लेके मैंने देखा है but I didn't got dupatta. तो मुझे क्या मिला है, बहुत सारे टुकड़े टुकड़े ऑफ फैब्रिक मिले हैं. आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. बेसिकली इमेज में देख लो, ठीक है,
ये रहा वेलवेट का फैब्रिक, नो डाउट वर्क यार बहुत प्रिटी है, बट आई डोंट नो कि मतलब गलती से सेंड हो गया है कि दुपट्टा नहीं सेंड हुआ, तो वो तो मुझे रिप्लेसमेंट के लिए यू नो करना पड़ेगा अभी यू नो अप्लाई. तो या जस्ट लुक एट दिस, वेलवेट का फैब्रिक है जरी और वही सिल्क थ्रेड का. नाउ आई एम फीलिंग सो बैड, मतलब पहले इतनी एक्साइटमेंट थी कि मतलब बहुत प्रिटी है बोल रही थी, बट नाउ इट्स नो हेयर, इट जस्ट सिंगल. सो ये इस तरीके से फैब्रिक है, ये है स्लीव के लिए, ठीक है. ये एक स्लीव हो गई, ठीक है, और ये होगी दूसरी स्लीव, ठीक है. और अभी मुझे फिर से एक और वही वाला फैब्रिक मिल रहा है स्लीव्स के लिए, यार चार स्लीव्स थोड़ी बनानी है मुझे, ठीक है. तो ये चार स्लीव्स मिल गई, ये चार स्लीव्स मैं किसको दूंगी, किसको दूंगी, है बेसिकली. ये तो स्लीव्स रही, चोली के लिए मुझे ये प्लेन ब्लैक वाला फैब्रिक मिल रहा है. नो डाउट द लेंथ इज रियली गुड, बट व्हाट आई हैव टू डू. तो अगेन ये पतला सा एक और फैब्रिक मिल रहा है, जो मतलब चौड़ाई में कम है, लेंथ में ठीक है. वैसे दुपट्टा मैन मतलब दुपट्टा तो है ही नहीं, एंड वैसे सिमिलर पैटर्न है ही नहीं. सो जस्ट स्टॉप, डोंट बाय इट. मतलब वी आर नॉट रिसीविंग दुपट्टा 2200 में, वी आर पेइंग अ गुड अमाउंट, इट्स नॉट गुड. लहंगा इज प्रिटी, बट दुपट्टे के बिना हमें इस लहंगे को क्या ही करना है. रिव्यू ऑफ दिस लहंगा व्हिच आई विल से कि मतलब आप मत बाय करो, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है. तो आई विल डेफिनेटली नॉट गोना सजेस्ट टू यू कि आप ये बाय करो. आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा. एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे फिर भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं डेफिनेटली क्लियर आउट करूंगी. एंड या डू सजेस्ट मी मोर सच लहंगास ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज लेके आ सकूं, एंड आपको बिल्कुल यू नो पता चल जाए कि आपको कैसा रिसीव होने वाला है कोई भी आउटफिट. एंड या दैट्स इट, हियर एंड्स द वीडियो, दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन stay smiling and stay safe. Bye bye, love you all.